हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्लाइंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। नॉट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, बट द एक्सपीरियंस वाज सच अ बिग लर्निंग दैट आई थॉट आई हैव टू शेयर इट विद यू। और वो द स्टोरी गोज लाइक दिस के आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ मदर सेइंग कि जी मेरी बेटी को डाइट प्लान चाहिए। तो शी ब्रॉट हर डॉटर एंड द डॉटर इज 17 ईयर ओल्ड, 17 साल की वो है। तो देखने पे भी मुझे ये बात कंफर्म होगी जो वो कह रही थी कि शी कैन नॉट ईट। कहती हूँ उसको जब खाती है तो सब कुछ बाहर निकाल देती है। शी स्टार्ट्स वॉमिटिंग, डॉक्टर्स पे गए हैं, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कराए हैं, दिस दैट दी अदर। एंड द पुअर चाइल्ड वॉज सो थिन, सो फ्लिमजी कि लिटरली अगर आप हाथ भी लगाएं ना उसको तो इस तरह गिर जाएगी। तो उसको 17 साल की उम्र में इंजरीज हो रही हैं, शी इज़ हैविंग स्किन प्रॉब्लम्स एंड आई मीन द स्टोरी गोज़ ऑन एंड ऑन। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, काफ़ी बातचीत करने के बाद ये बात समझ में आई कि शी हैज़ नथिंग फिजिकली रॉन्ग विद हर। आई सॉ हर टेस्ट्स, आई वेंट थ्रू एवरीथिंग, देर इज नथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग विद हर, इट्स जस्ट द प्रॉब्लम इज़ इन हर हेड, जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया या एक तरीके से बुलीमिया भी कह सकते हैं, बिकॉज शी इज़ थ्रोइंग अप। वो जानबूझ के उल्टियाँ करी, नोबडी न्यू। तो जब बात की तो पता ये लगा कि माँ को, वालदा को, शी हैड बिन दिस फियर ऑफ फूड शी हैड एंड शी हैज़ ट्रांसफर्ड दिस आई वुड से डिजीज़ टू हर चिल्ड्रन। और वो सिर्फ उस बच्ची में नहीं नज़र आ रहा था बल्कि जो उनकी बड़ी बेटी थी, जब बात की, इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि वो भी साथ आई हुई थी, तो पता लगा कि शी ऑल्सो हैज़ दीज इशूज़ बट नॉट एज सिवियर, बिकॉज वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हुई है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, ये टेस्ट कराएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो टेस्ट कराएं, जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी ऑफ ऑफ हर इन एनी वे पॉसिबल। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपने जितने टेस्ट कराने थे ना करा लिए, नाउ द यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज दैट यू बीइंग द मदर एंड यू हैव टू टेक द ब्लेम दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि आपके बच्चे इस तरह बिहेव कर रहे हैं एंड दे हैव डेवलप्ड अ फियर ऑफ फूड। तो शी वॉज ऑब्वियसली टेकन अ बैक एंड शी डिडंट लाइक इट, बट मैंने उनके वोट तो नहीं लेना ना, मैंने तो उनको बात सिखानी जो उनके फ़ायदे की है। सो यू नो शी हैड अ वेइंग स्केल एज वेल, जिसके ऊपर वो रोज़ चढ़ती थी, दिन में दो दो दफ़ा। एंड ऑल्सो नो जजमेंट टू हर, बिकॉज द हस्बैंड वाज सच के वो कहे तुम मोटी ना हो, मोटी ना हो, मैं तुम्हें, तुम मोटी होगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक फियर इंस्टिल किया हुआ था। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग, इट वाज अ लॉट वाज कमिंग फ्रॉम द हस्बैंड एंड आल्सो कमिंग फ्रॉम द वाइफ, बिकॉज हम लोगों को पता ही नहीं कि वेट लॉस की साइंस क्या है, मेटाबॉलिज्म की साइंस क्या है, तो हम खाने से घबराना शुरू कर देते हैं। प्लीज़, आई वॉन्ट टू, आई हैव सेड दिस अगेन एंड अगेन, फूड इज़ नॉट योर एनिमी। अल्लाह ताला ने हज़ारों तरह के खाने बनाए हुए हैं, या तो अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह गलती की, या हम चीज़ को समझ नहीं पा रहे। आई मीन, व्हाई इज़ देयर सो मेनी फूड वैरायटी इन द वर्ल्ड? अगर हमें खाने से नुकसान होता, खाने का नुकसान नहीं है, गलत खाने का नुकसान है, स्ट्रेस मिसमैनेजमेंट का नुकसान है, जो हम टॉक्सिक खाना खा रहे हैं, जो हम टॉक्सिक दिमाग में जो हमारी सोच आ रही है, दीज आर दी इशूज़ दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, नॉट फूड। यू डोंट हैव टू फियर फूड, स्टॉप दैट वो जो कि जी इतना तोल तोल के खाना है, येस पोर्शन साइजिंग हेल्प्स, लेकिन ये जो घबराहट है खाने को देख के होना और स्केल पर बार बार चढ़ना, दिस ऑब्सेशन इज नेवर हेल्थी, इट्स एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव। तो जब मैंने उनसे ये बात की, आई गेव देम अ लॉन्ग स्पीच, अ लॉन्ग लेक्चर पर 30-40 मिनट्स उनको मैंने बताया, बेटी भी सामने, दोनों बेटियां बैठी हुई थी, और उनको मैंने ये बताया, ये बात क्लियर की कि फूड इज़ नॉट योर एनिमी, इफ़ यू ईट क्वालिटी गुड फूड इट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, और उससे जो आपका वेट लूज होगा दैट्स गोइंग टू बी हेल्थी। द होल ड्रिल जो मैं आप लोगों के साथ भी बात करता हूँ, एंड यू नो कपल ऑफ डेज अगो आई स्पोक टू हर एंड शी सेड कि आई कैन सी इम्प्रूवमेंट्स। आई हैव येट टू सेंड हर द मील प्लान, बिकॉज वो मैंने उनको भेजना था, हैड टू ईमेल टू हर, बट आपके साथ मैं ये चीज़ें बड़ी इंटीमेटली शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज वॉट हैपन। सो इफ यूर अ मदर, इफ यूर अ पेरेंट, your wife, your sister, I mean, everybody's got relations, please, your approach can change the entire household. Be the influencer, be somebody who can be an inspiration. People, when they see you, they learn from you and they start taking effect from you, because har banda dekh ke inspire hota hai, baatein karne se kuch nahi hota. So I hope this video resonates with you. I hope, as I always say, I hope कि यू विल पुट दिस नॉलेज इन टू एक्शन। डोंट जस्ट थिंक कि जी हाँ बड़ी अच्छी वीडियो थी, वाह वाह तालियाँ, नो, पुट दिस इन टू एक्शन, स्टार्ट विद वॉट यू नो राइट नाउ
and you will start seeing change, because what you do right now today, the baby steps you take today are going to, and if you take them consistently, are going to give you the results that you want from your health and fitness. Have a good day. I'm going to go back to my meditation. Love is.